आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए खुशखबरी है, एक बार फिर से हमने यूट्यूब चैनल पर बुलाया है कशिश गुप्ता जी को पक्ष लीगल से, जो कि एक्सपर्ट है जीएसटी के, हाईकोर्ट वगैरह में केसेस लड़ते हैं। ठीक है, तो सर आपको ना एक अहम मुद्दे के लिए बुलाया है। बताइए। मुद्दा ये है कि आजकल क्या हो रहा है, पोर्टल पर जाते हैं तो हमारे को एक चीज दिखाई देती है DRC 07। ठीक है। और उसमें लिखा रहता है कि आपकी 4 करोड़ की डिमांड है, आप इसे जमा कर दो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि DRC 07 के बाद जो नोटिस होता है, पहली बात तो कई केसेस में वो मिलता ही नहीं है, और अगर कई बार वो नोटिस मिलता भी है तो वो इम्प्रॉपर होता है। सिंपल लिख देते हैं कि ITC का डिफरेंस है आपका फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 में 4 करोड़ रुपए का, और आप ये जमा कर दो। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो नोटिस है ये वैलिड है? क्या इस तरह का DRC 07 इशू करना क्या वैलिड है? इस पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या संज्ञान लिया है? इस केस में अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता है तो हम उसमें क्या करें? ये सारी बातें आप हमें बताएं, क्योंकि इसे लेकर ना असेसी बड़े परेशान है, क्योंकि जितने भी ITC के नोटिस आए उसमें ना कभी भी ना कोई कैलकुलेशन नहीं दी इन्होंने, सारी की सारी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ रही है कि ये फिगर कहाँ से ली, कि ये आपने 2A से ली है, 8A से ली है, 2B से ली है, कंपैरिजन सीट से ली है, ये सारी चीज़ों में बड़ी दिक्कत है। सर एक बार इस पर प्रकाश डालिए हमारे सब्सक्राइबर के लिए। ठीक है, थैंक यू सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और जो आज आपने क्वेश्चंस मुद्दे उठाए हैं ये सब मैं चाहूँगा कि हम किसी एक वेबिनार में सब डिस्कस करें, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक बात बोली कि फिगरें कहाँ से ली है ये ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। आज की डेट में आपके पास GSTR 2A है, GSTR 2B है, फिर Table 8A ऑफ GSTR 9 है, जिसकी फिगर्स मोस्टली मुझे तो डिफरेंट ही लगती है 2A से, होता है डिफरेंस। और फिर जो आपने बोला कि जो फिगर्स हैं वो 8A की और 2A में डिफरेंसेस, उसको आइडेंटिफाई कर तो ले हम, लेकिन जब वो फिगर 8A में अनएडिटेबल है और हम 9 फाइल कर रहे हैं तो उसके क्या रिपरकशंस हैं? बिल्कुल। और इन सब के बाद जब डिमांड आ रही है तो वो डायरेक्टली DRC 07 आपको दिख रहा है और इश्यू इन्वॉल्व लिख देते हैं कि एक्सेस आईटीसी। और एक्सेस आईटीसी का मतलब 2A वर्सेस 3B ही हो गया है। जिसको एक जुडिशियली ट्रेन माइंडसेट अगर पढ़ता है तो वो कहते हैं कि ऐसा आपको सोचने को बोला किसने है? सही बात है। क्या आप तो उसके पास कोई चिट्ठी आ रखी हो कि मैंने तो इनको सप्लाई की नहीं और इन्होंने ITC अवेल किया हुआ है, वो आपके पास किसी एक्सेस क्लेम ऑफ ITC का ही हो, 2A वर्सेस 3B का ना हो। तो इन सबको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ एडजुडिकेशन का प्रोसीजर क्या है। बिल्कुल। तो एडजुडिकेशन का प्रोसीजर ये है कि प्रॉपर ऑफिसर सबसे पहले तो आपको शोकॉज नोटिस देगा। बिल्कुल, शोकॉज नोटिस देगा जिसमें वो लिखेगा कि क्या फैक्ट्स हैं। अच्छा, शोकॉज नोटिस से पहले वो स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न में जो देता है SMT 10, तो क्या हम उसे शोकॉज नोटिस बोले या 73 को ही शोकॉज नोटिस बोले? 73 को ही शोकॉज बोलेंगे। और अगर उससे पहले जो वो स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न कर रहा है सेक्शन 61 के अंदर SMT 10 दे रहा है, हम उसे क्या कहें? उसको मैं बताता हूँ। एक्चुअली जब मैं इसका जवाब देने वाला था ना तो इस मुद्दे को मैं उठाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने उठाया तो आई एम वेरी हैप्पी। देखिए, हाईकोर्ट में एक केस में ये कंटेंट हुआ कि आप लोगों ने सेल्फ असेसमेंट का रिजाइम बनाया है, ये बिल्कुल कि जो भी मैं सेल्फ असेसमेंट करता हूँ वो एक्सेप्ट होगी। राइट। अगर वो सेल्फ असेसमेंट ऑफिसर को इंटरफेयर करनी है तो उसके पास सेक्शन है 61, राइट, 62 या 65 या 66। तो अगर ऑफिसर को वो सेल्फ असेसमेंट ठीक नहीं लगती है तो सबसे पहले वो दे ASMT 10। राइट। कि जी मुझे आपकी रिटर्न ठीक नहीं लगी है, इसको आप बताओ, क्लैरिफाई करो। अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो ड्रॉप कर देगा, नहीं तो वो शोकॉज देगा, फिर शोकॉज देगा। तो हाईकोर्ट ने कहा कि अभी आप पहले ही इतने बड़े मुद्दे को हमारे पास लेकर आए हो तो हम इस मुद्दे को डिस्कस नहीं करते कि शोकॉज देने से पहले उसको 61 62 65 या 66 कहने का मतलब स्क्रूटनी, आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, GST का ऑडिट या GST में स्पेशल ऑडिट, राइट, ये करना मैंडेटरी है या नहीं है इसको भी हम आंसर नहीं करते। राइट। लेकिन लो जो है ये बड़ा साउंड है कि उसको पहले यही स्टेप्स लेने चाहिए, डायरेक्टली शोकॉज भी नहीं देना चाहिए, आपने तो डायरेक्ट ऑर्डर की बात की है मेरे से। तो जो इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, आई एम वेरी थैंकफुल कि ये डिस्कशन हो गई और ये वीडियो एक कंप्लीट वीडियो है अब। तो ऐसा भी व्यू लिया जा सकता है कि डायरेक्ट शोकॉज नहीं आना चाहिए, पहले या तो ASMT 10 है या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का कोई फॉर्म होता है, ASMT 14, तो 63 का होता है नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न्स का भी, पहले वो प्रोसीजर हो, या आपके पास ADT 1 आए, आपका ऑडिट हो, फिर आपके उस ऑडिट में ऑब्जर्वेशन के बाद शोकॉज आए,
तो डायरेक्ट शो को जाना नहीं चाहिए, लेकिन ये पॉइंट अभी जुडिशियली सेटल नहीं, लेकिन है। इसमें ना एक चीज और है सर, बिल्कुल जहां तक मेरा मानना ये है कि हम ये मानकर चलते हैं जो जीएसटी ऑफिसर है वो डॉक्टर है, ठीक है जी, और जो असेसी है वो पेशेंट है। बिल्कुल। अब कई बार क्या होता है, जो पेशेंट होता है जब वो डॉक्टर के पास दवाई लेने जाता है तो कई बार आपने देखा होगा उसे 3 खुराक दे दी बनाकर कि भाई आप इन्हें लो और ये टेस्ट करा कर आओ, फिर उसके बाद हम बाकी का ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन एक दूसरा पेशेंट आता है, दूसरे पेशेंट के साथ क्या किया जाता है, उसे 3 खुराक नहीं दी जाती, उसे लिटाया जाता, कहते हैं ग्लूकोज चढ़ा दो इसे, ठीक है, इसकी हालत सीरियस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये स्कूटनी ऑफ रिटर्न है सेक्शन 61 वाली, ये सारी क्या है कि भाई पहले ना इसे 2-3 बार खुराक दे दो, अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर मैटर ज़्यादा सीरियस है या डेडलाइन ऑफ लिमिटेशन ऑफ टाइम जा रहा है तो वहां पर वो 73 भी दे सकता है, मतलब डायरेक्ट 100 कोर्स नोटिस दे सकता है। लेकिन ये तो इससे भी ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सीधा आईसीयू में ले जा रहे हैं, ठीक है, वेंटिलेटर में, वेंटिलेटर में ले जा रहे हैं, लेटा दिया। हाँ, तो ये थोड़ा गलत है ये, और इन्होंने जिस तरीके से समझाया है यही है। तो जो ये बता रहे हैं कि सीधा वेंटिलेटर पे लेटाना वो हमेशा गलत है, तो मैं एक बार प्रोसीजर आपको ब्रीफ कर देता हूँ। आई होप आपको शोको से पहले की स्टेज समझ आ गई होगी, वो अभी डिस्प्यूटेड है, अभी उस पर कोई जजमेंट नहीं है, लेकिन हम शोकोज की स्टेज से डिस्कस करते हैं जी। प्रॉपर ऑफिसर को सबसे पहले देना है शोकोज नोटिस, फिर उसका रिप्लाई आएगा जी, ऑफिसर का हमारा रिप्लाई जाएगा ऑफिसर को जी, फिर ऑफिसर को उस रिप्लाई को कंसिडर करना है, राइट, और अगर उसको लगता है कि मुझे डिसीजन अगेंस्ट में देना है तो उसके लिए पर्सनल हियरिंग देना मैंडेटरी है। मैंडेटरी, बिल्कुल ठीक है। फिर जब वो अपना डिसीजन देगा, वो डिसीजन में लिखेगा कि फैक्ट्स क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ क्या है, right. और मेरा बेसिस ऑफ डिसीजन क्या है। बिल्कुल। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ऑर्डर में उसने डिमांड कन्फर्म की है वो उन्हीं ग्राउंड्स पे कन्फर्म करेगा जो ग्राउंड शोकोज में है, राइट। अगर शोकोज में उसने 3 ग्राउंड लिए हैं तो ऑर्डर में कोई 4th ग्राउंड पे डिमांड कन्फर्म नहीं हो सकती। अगर आपने वो 3 ग्राउंड रिबट कर दिया प्रॉपरली कि इन 3 ग्राउंड पे तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सस्टेनेबल नहीं है, तो उसको ऑर्डर ड्रॉप करना है। हाँ, किसी ऐसे ग्राउंड पे 4th ग्राउंड पे फाइल नहीं करना, ये एक्ट में लिखा है, ये एक्ट में लिखा है। अगर आप सेक्शन 73 पढ़ोगे ना, 74 पढ़ोगे, उसमें ये चीज मेंशन है, 75 में भी है, ये 75 में जनरल प्रोविजंस है, जनरल प्रोविजंस में ये बातें लिखी हुई है। तो अगर आपने अभी तक ये कोर्स करना चाहते हो तो सर हमने क्या करा है ना, पूरा कोर्स बनाया है, 80 से 100 घंटे का कोर्स है। अच्छा। उसमें हम 73 भी पढ़ाते हैं, 74 भी, 75 भी। ओके। तो अगर आपने अभी तक उस कोर्स को नहीं देखा है तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप प्ले स्टोर से जाकर केजे क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। उसमें हमने एक कंप्लीट कोर्स भी दिया है और उसमें टुकड़ों टुकड़ों में कोर्स को बांट दिया। कोई नोटिस का रिप्लाई देखना चाहता है वो नोटिस का रिप्लाई देखे, कोई 99C सीखना चाहता है वो 99C देखे, कोई रिटर्न सीखना चाहता है, और हमने उसमें क्या करा, पहली बार 10 घंटे का फ्री कोर्स दे दिया। अच्छा, तो ये YouTube पर नहीं है, आपके उस पे जो हमारी हमारे ऐप पर 10 घंटे की है। हाँ, 10 घंटे का फ्री कोर्स है, और अगर आपको फ्री कोर्स देखकर अच्छा लगता है तो आप पेड कोर्स में एनरोल हो सकते हो, और वो ऐप पे नहीं चलेगा फिर, ठीक है, नहीं ऐप पे भी चलेगा और आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी ले सकते हो, ठीक है। दोनों ही कोर्सेज हमारी वेबसाइट पर भी है और ऐप पर भी है। अगर मोबाइल में देखना है तो भाई आप ऐप से ले लो, अगर आपको कंप्यूटर में देखना है आप हमारी साइट से ले लो। तो ये एप्पल वाली एप्लीकेशन पे भी चलेगा? एप्पल वाली पे अभी नहीं चल रहा। अच्छा। अभी हम मानकर चल रहे हैं कि भाई एंड्रॉइड वाले हैं, ठीक है ना, तो एंड्रॉइड पे ज्यादा चल रहा है, ठीक है, एप्पल का थोड़ा सा लेवल लाएंगे तो उस पे भी चलेगा। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करा तो वो डाउनलोड कर ले सर प्लीज, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है जी, और GST लो जैसा आपको पता है कि फुली इलेक्ट्रॉनिक है, तो इन लोगों ने ना इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल की सहूलियत के लिए ये प्रोविजंस लिखे हैं कि अगर शोकोज नोटिस आपको देना है तो उसकी एक समरी इलेक्ट्रॉनिकली डाल दो। समरी से मतलब क्या है जी, ऑनलाइन आ जाएगा कि आपके लाइबिलिटी रजिस्टर में इतनी डिमांड है जो कंटेस्टेड है। बिल्कुल। और कोई उसका पर्पज नहीं है समरी का। समरी का पर्पज आप ये माने, आज तक ऑफिसर पूछते हैं कि आपकी कितनी डिमांडें हैं, कितनी पेंडिंग है, कितनी स्टेड है, कितनी अनस्टेड है, हमें लिख के दे दो, वो सब पोर्टल पे दिखेगा। बिल्कुल। तो उसका इतना ही है। तो ऐसे अगर कोई ऑर्डर भी आता है तो ऑर्डर की समरी जो DRC 7 है, हाँ, वो भी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में पोस्ट हो जाएगी कि आप इतनी लाइबिलिटी है, उसका और कोई रोल नहीं है। पर ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो क्या रहा है, सबसे पहले DRC 01 जब आता है तो उसके साथ ही एक शोकोज नोटिस का समरी का ही फॉर्मेट है, उसमें लिख देते हैं फैक्ट्स इन ब्रीफ कि मेरे हेडक्वार्टर से एक रिपोर्ट आई है 2A vs 3B मिसमैच की, उसमें 10 लाख का मिसमैच है, यू आर डायरेक्टेड टू पे। पर नीचे वो DRC 1 में लिख देते हैं 10 लाख इंटरेस्ट, और कैसे कैलकुलेट हुआ जैसे आपने बताया, पता नहीं होता, पता नहीं होता वो 24% पे हुआ है, 18 पे हुआ है, वो कुछ नहीं पता, 10 महीने का हुआ है, 12 महीने का हुआ है, पता नहीं, आपकी कैलकुलेशन मैच हो गई तो मतलब हम एक ऑफिसर के माइंडसेट
को मैच कर रहे हैं, राइट। तो इस पे झारखंड हाई कोर्ट में लाइन लगा के डिसीजन से जी उन्होंने कहा कि व्हाट इज अ प्रॉपर शोकॉज नोटिस, राइट। सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन है, ओरिक्स फिशरीज हैं और काफी इनकम टैक्स के भी डिसीजन है, उनका कि प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स ऑफ शोकॉज नोटिस होते हैं कि एक ये फाउंडेशन है जिसपे आपका इमारत टिकी है। भी कल को आपने मेरे से पैसे लेने हैं तो जो पहली चिट्ठी लिखोगे उसमें कुछ भी नहीं लिखोगे क्या? लिखोगे ऐसा समझ लो कि जैसे कि ये हो गई एफआईआर कि भाई जब किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ तो एफआईआर में सारी चीजें लिखवा दो, उसी के बेसिस पे सारी इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर एफआईआर ही आपकी वीक है तो केस वीक हो जाता है, केस वीक है जी। तो अगर आपकी बिल्डिंग की इमारत की नींव में आपने पिलर्स ही नहीं लगवाए तो गिरनी है, बिल्कुल। तो डिपार्टमेंट के लिए फाउंडेशन है शोकॉज नोटिस, उसमें उसको जी लगा के सब लिखना है जी कि मेरे ये फैक्ट्स हैं, मेरे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ये है, इसके ये असेसी ने किया है और ये ऑब्लिगेशंस थी जो ब्रीच हुई हैं, तो ये डिमांड है, राइट। इस पर पेनल्टी इसलिए लगनी चाहिए क्योंकि इसने ये फॉल्ट किया, राइट। तो क्या कि ये जो समरी वगैरह है ये प्रॉपर शोकॉज नोटिस के इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल नहीं करते हैं, राइट। जब तक मैंने कपिल जी को बताया नहीं भी तुमने सेक्शन 39 वायलेट क्रिया किया ही क्यों है, हाँ, बिल्कुल सही। तो ये तो कह रहे हैं कि मेरा नंबर कैंसल्ड है, एक दिन खुलेगा ऑफिसर का जब मन करेगा मैं सारी रिटर्न भरूंगा, फिर मैं कह रहा हूँ 16-4 का वायलेशन हो गया आपका, टाइम बार हो गया। तो कपिल जी को जब तक मैं बताऊंगा ही नहीं इतनी स्टोरी, सीधा भेज दूंगा कि तुम्हारा ITC टाइम बार है। तो इनको मैंने बताया नहीं कि किस वजह से टाइम बार है, तो ये उसको ऑब्जेक्ट कैसे करेंगे? बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए अगर ऐसा कोई शोकॉज नोटिस है तो वो चैलेंजेबल है, बिल्कुल, वो क्वैश होगा। अब आपके पास दो रास्ते हैं कि आप उसको अपील रूट से भी लेके जा सकते हो, सीधा हाई कोर्ट भी लेके जा सकते हो। सीधा हाई कोर्ट लेके जाने से देखो फायदा भी है नुकसान भी है, हो सकता है कि हाई कोर्ट सीधा क्वैश कर दे और हो सकता है कि हाई कोर्ट प्री डिपॉजिट ऑर्डर कर दे ज्यादा, या हो सकता है हाई कोर्ट बोल दे नहीं आप रिप्लाई फाइल करो, तब आपका केस स्पॉइल होता है। लेकिन अगर आप अपील रूट से जाते हो तो नुकसान सिर्फ एक है, प्री डिपॉजिट आएगा, बिल्कुल। लेकिन उसमें आप पहले दिन से लिख के मेरे जो हम लोग करते हैं, मैंने किया भी एक केस में, आप ये करो कि उसमें लिखो कि मेरे को पता ही नहीं है कि डिमांड आई किस लिए है, तो मैं पहले तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे इसे क्वैश करवाना चाहूँगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये 2A 3B का इशू चल रहा है तो मैं अपनी 2A RE को आपको दे देता हूँ, ठीक। लेकिन अगर आप मुझे बता दोगे तो मैं अपने ग्राउंड्स को अमेंड भी कर दूंगा, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंटिसिपेशन मैं मेरिट्स पे सबमिशन कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन साथ के साथ मैं प्रेयर में कमिश्नर अपील को ये भी लिखता हूँ कि जी इनको आप डायरेक्शन दे दो ये क्वैश करके कि दोबारा से एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग करें, अभी कोई भी प्रोसीडिंग टाइम बार नहीं हुई है, कल को अगर आप इसे अपहेल्ड करते हो मैं ट्राइबल में जाके फिर कंटेंट करता हूँ, उस दिन तक तो इनका सब राइट टाइम बार हो जाएगा, राइट। तो तब मुझे मत कहना कि मैं मैलिफाइड इंटेंशन से डिले किया या कुछ किया, तो हम ऐसे करके अपीलें बनाते हैं, ठीक है। इसमें हमें पता है कि प्रो रेवेन्यू अप्रोच अगर ऑफिसर का है, अगर वो रिलीफ नहीं देता इतनी बात समझने के बाद भी, तो ट्रिब्यूनल में फिर ये केस हम जीतेंगे ही जीतेंगे और डिपार्टमेंट के पास राइट नहीं रहेगा दोबारा से डिमांड को अपहेल्ड करने का, क्योंकि मैं शुरू से कह के चल रहा हूँ कि मैं तैयार हूँ कोऑपरेट करने को, आप शोकॉज की स्टेज से मैटर दोबारा स्टार्ट करवाओ, ठीक है, सही शोकॉज करवाओ, बिल्कुल। और अभी आपका मैटर टाइम बार में नहीं है, बिल्कुल। और जो आपने कहा कि कुछ केसेस में डायरेक्ट DRC 7 आ रहा है, तो वो तो फिर वो वेंटिलेटर का केस है, उसमें तो डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं, जब शोकॉज नोटिस क्वैश हो रहे हैं, हाँ, तो ये तो होने वाले हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, कुछ भी प्रिज्यूम नहीं करना कि लिख दिया एक्सेस ITC तो मतलब 2A RE को है, प्रॉपर शोकॉज नोटिस आना चाहिए जिसमें लिखे कि आप कौन है, आपने क्या किया पूरे साल में और क्या लो है, इस लो की वायोलेशन क्यों है और इसलिए आपकी डिमांड कन्फर्म की जा रही है। नहीं सर, कुछ स्टेट में मैंने देखा है 18-18, 19 पेजों के शोकॉज नोटिस आते हैं, पूरा डिटेल में रहता है सारी चीज़, कुछ में होता है एक पेज का ही आता है। तो हमारी काफ़ी सारी वीडियो ना GST ऑफिसर्स भी देखते हैं, ठीक है। तो हम उन GST ऑफिसर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो अभी सर ने सारी चीज़ें बताई हैं उस प्रोसीजर को फॉलो करें, उससे SSC को भी दिक्कत नहीं होगी और हम SSC को भी कहेंगे कि भाई अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप उसे अपने जमा करें, अगर आपको लगता है कि ये गलत डिमांड है तो आप फाइट करें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर हम आपका एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल पर आए और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जो कि हमारे को नहीं पता थी। चलिए, इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।